और क्या हाल है मेरे दोस्तों। आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में मैं स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों को भला कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आज हम मीठा चावल बनाने जा रहे हैं जिसको हम जर्दा भी कहते हैं, जो कि बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही कम सामान से बनाया गया है। इसके लिए कुछ खास चीज़ नहीं, घर में ही मिल जाती है, उससे हम चल रहे हैं बनाने। इसमें बासमती राइस हमने लिया है एक कटोरी और लगभग 150 ग्राम है। फ्रूट कलर एक चुटकी लिया है। पानी 1 लीटर, देसी घी 4 से 6 टेबल स्पून है। ड्राई फ्रूट आधी कटोरी है मिला जुला। और इसमें ब्राउन शुगर हमने डाला है, जितना ही हम चावल लेंगे उतना ही ब्राउन शुगर भी लेंगे। और मिल्क पाउडर 4 से 6 टेबल स्पून है और छोटी इलायची 1/2 टेबल स्पून है। चलो दोस्तों, हम आप मिल्क इसको बनाते हैं। ये 150 ग्राम चावल है दोस्तों। इस चावल को हमने जो है ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके और हमने पहले से इसको 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है और गैस पे हमने पानी चढ़ा दिया है। पानी खौल गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये कलर ऐड कर देते हैं और कलर डालने के बाद इसमें हम जो भीगा हुआ 20 मिनट पुराना भीगा हुआ चावल है इसको हम इसमें चावल डाल दिया है। अब डालने के बाद इसको हम कम से कम 8 से 10 मिनट इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसे हम आधी तरह से ढक के जिससे ये बहे नहीं। ये चावल देखिए ये हो गया है, ये पका हुआ चावल। ऐसा नहीं कि हमने इसको पकाया नहीं पूरी तरह से, ये पूरी तरह से पक गया है, तभी इसका जर्दा जो बनेगा एकदम खिला खिला सा बनेगा। अब इसको हम छलनी में डाल के पानी इसका पूरा निकाल देते हैं। निकाल के फिर थाली में फैला देते हैं। चावल का पानी निकाल के इसको हमने थाली में फैला दिया है जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। जो हमने ली है ये नीचे से इसका तल थोड़ा भारी होना चाहिए, जिससे हम इसमें जब चीनी ये ब्राउन शुगर डालें और घी वगैरह डालें तो नीचे से चिपके नहीं। 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने घी डाला है। घी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप 3 भी डाल सकते हैं। और घी डालने के बाद इसमें हम 1-1 करके ड्राई फ्रूट डाल दिए। करीब 25 ग्राम तक नारियल है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नारियल और डाल दिया। नारियल डालने के बाद हम 2 टेबल स्पून करीब इसको भर भर के काजू डाल देते हैं। काजू डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चिरौंजी डाल देते हैं। अब इन सबको हल्का सा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसको हम भून देते हैं। देखिए, इसका हल्का ही कलर चेंज करना, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं चेंज किया है। अब इसमें से आधा हमने गार्निशिंग के लिए निकाल लिया है और आधे में इसमें हम किशमिश डाल देंगे। और ये किशमिश डालने के बाद चावल ऐड करते जाते हैं। आधा चावल डालने के बाद इसमें हम आधा ही ब्राउन शुगर डाल देंगे और इसको हम इसको ऐसे हल्के हाथ से इसको फैला देते हैं, ये ऐसे। और फिर दोबारा हम इसमें फिर आधा राइस डाल देंगे और इसमें फिर ब्राउन शुगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने डालना है। एक बार भी इकट्ठा अगर हम डाल देंगे तो ये एक दूसरे से मिल नहीं पाता। अब लास्ट में पूरा इसको डाल देते हैं। इसको हल्के हाथ से दोनों को चला देते हैं, हल्के हाथ से, जिससे चावल एकदम खिला खिला सा। गैस को एकदम धीमा कर दिया सब कुछ मिलाने के बाद। अभी 5 से 7 मिनट के लिए एकदम सिम आंच पे ये पकता रहेगा, उसके बाद फिर हम चलाते हैं इसको। अभी 5 मिनट हो गए, इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं कि कैसा जो है। नीचे लगना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने बोला भारी नीचे का तल होना चाहिए। ये देखिए, कहीं भी ये लगा नहीं, चावल भी एकदम खिले खिले से हैं। अब इसके अंदर जो है हम मिल्क पाउडर है, इसको हम इस पर डाल देते हैं। तो अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसके बजाय खोआ डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा दरदरा पिसा हुआ इलायची का पाउडर डाल देते हैं और डालने के बाद इस गैस को हम बंद कर देते हैं। बंद करके फिर इसको हम ऐसे हल्के हाथ से मिला के और फिर इसको निकाल लिया। देखिए, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया, अब सर्व करके खाने लायक ही तैयार हो गया है। और लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट्स में जाके आप प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए तथा श्वेता पाककला में फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।